दिख रहे अभी दिख रहा है? हाँ हाँ है। क्रिस्टलोग्राफी का यूनिट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की डेट है 21 है, यहाँ पे 20 हो गया, 15 मई 2021। ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 क्रिस्टलोग्राफी। और अभी तक हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द मिलर इंडाइसेस, और मिलर इंडाइसेस मतलब अगर प्लेन को डिजिग्नेट करना है, क्रिस्टल प्लेन्स, वो सब बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में। क्रिस्टल प्लेन्स को अगर डिजिग्नेट करना है, क्रिस्टल प्लेन्स को डिजिग्नेट करना है तो हमें क्या पता होने चाहिए, मिलर इंडाइसेस। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसीजर देखा था कि मिलर इंडाइसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ साथ में हमने प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिस्टलोग्राफी। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज माय टाइटल, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है? इफ सपोज करो कोई भी एक एटम है, उसके आजू बाजू एकदम आसपास में कितने एटम्स प्रेजेंट है, नियर बाय। ओके, सो नियर बाय एटम्स और नियरेस्ट एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम्स, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब एक एटम है, उसके आजू बाजू एकदम पास में कितने एटम्स है, नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब एकदम पास वाले, ठीक है, दूर वालों का कोई मतलब नहीं है। एक एटम उसके सराउंडिंग में कितने एकदम पास में एटम्स प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसके 10 फ्रेंड्स हैं, और 10 फ्रेंड्स, एक बीच में कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ है और उसके आजू, उसके पूरे 10 फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके उसके सराउंड में एकदम नियर में 4 फ्रेंड है, तो उसके 4 क्लोजेस्ट फ्रेंड है एकदम उसके आजू, एकदम पास में खड़े हुए हैं, और 6 फ्रेंड उसके बाद दूर खड़े हुए हैं, तो उसके नियरेस्ट में जितने फ्रेंड्स खड़े हैं उसके आजू बाजू सराउंड में, चारों डायरेक्शन में एकदम इक्वल डिस्टेंस पे जितने फ्रेंड्स खड़े हैं उस स्टूडेंट के, तो वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इफ सपोज उसके 10 फ्रेंड्स उसके साथ है, लेकिन उसके 4 फ्रेंड्स उसके एकदम नजदीक पास में खड़े हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो 4 क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बाकी 6 दूर है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर उनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, एकदम पास वाले पड़ोसी एटम्स, नेबरिंग एटम्स। ओके, नेबरिंग एटम, शेजारी, मराठी में शेजारी एटम्स। ओके, तो इस तरीके से इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ गिवन एटम। एटम कोई गिवन है, उसके आजू बाजू कितने एटम्स प्रेजेंट है, नियरेस्ट एकदम पास वाले, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। शेजारी एटम, पड़ोसी एटम्स। ओके, एक एटम के पड़ोस में, एक एटम के शेजार में कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, सो एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, उससे समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, ये सपोज करो कि ये है एटम, एक एटम है ये, ठीक है, इसके आजू बाजू इफ सपोज करो ये 4 एटम्स प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4 एकदम नियर बाय, ये 4 एटम इसके इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इस एटम के इक्वल डिस्टेंस पे 4 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, और उसके आजू बाजू और एटम्स प्रेजेंट है, ये वाले 4 एटम्स, लेकिन ये 4 एटम्स क्या है, दूर है। ये जो 4 एटम्स है, जहां पे मेरा माउस एरो देखो, 1, 2, 3, 4 ये 4 एटम्स दूर प्रेजेंट, दूर है, और ये जो 4 एटम्स है ये पास में खड़े हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। ये 4 जो है, 1, 2, 3, 4 ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इस एटम के इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, तो इनको क्या बोलेंगे, नियरेस्ट नेबरिंग एटम। और जो दूर है, इससे दूर जो प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4 इसको क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम, ये वाले नेक्स्ट टू नियरेस्ट। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम कौन से हैं, ये वाले 1, 2, 3, 4, और ये जो बाकी के जो 4 हैं वो है नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, नेक्स्ट टू मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम के बाद वाले, दैट इज नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम। ओके, तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कौन से हैं, ये 1, 2, 3, 4। सो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो इस जो रेड वाला आइटम है उसके 4 ब्लू एटम, 1, 2, 3,
4, ये है इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हुए यहाँ पे, 4, 1, 2, 3, 4। ओके, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हुए, नियरेस्ट एकदम पास वाले 1, 2, 3, 4। और नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है टू डायमेंशनल, जिसमें 9 एटम्स है टोटल सेंट्रल एटम को मिला के, अगर ये सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर किसी ने पूछा तो हम कितना बोलेंगे, 4। क्यों 4 बोलेंगे हम, बिकॉज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम 4 है, 1, 2, 3, 4। ओके, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 4। समझ में आया, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स, इट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर। इफ द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इफ someone asked what is the coordination number of central atom, so you should know that the number of nearest neighboring atoms of the central atoms are 4, hence the coordination number of this structure is 4। समझ में आया coordination number, ये तो हो गया अभी two dimensional, ये तो हो गया टू डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना। अब मान लो कि कोई थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये देखो एक यूनिट सेल है, ओके दिस इज द यूनिट सेल। ओके, सो ये यूनिट सेल में कॉर्नर पे कितने एटम्स है, टोटल 8 एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये यूनिट सेल है, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। ओके, इफ सपोज करो इसके सेंट्रल में एकदम ये डब्बा जो है, ये यूनिट सेल है, उसके डब्बे के एकदम सेंटर में, इस यूनिट सेल के एकदम सेंटर में एक एटम है, ये येलो कलर का एटम है। ओके, और ये जो यूनिट सेल है इसमें कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। ओके, 6 फेसेस है, 1 एक ऊपर, ये वाला जो फेस 4 एटम से जो बन के मिला है ये एक फेज है, ये नीचे वाला 2 फेज है 4 एटम से, साइड वाला ये तीसरा फेज है, इधर वाला साइड वाला चौथा फेज है, ये सामने वाला एक पांचवा फेज है, और पीछे वाला एक छठा फेज है, 6 फेजेस। सो ये जो यूनिट सेल है क्यूब की तरह दिखता है, और इस यूनिट सेल को कितने फेजेस है, 6 फेजेस है। क्यूब को जैसे 6 साइड्स होते हैं ना, 6 साइड्स होते हैं, ओके, साइड्स मतलब 6 फेजेस होते हैं क्यूब, कोई भी डब्बा पकड़ो क्यूब जैसा 6 फेजेस होते हैं, सामने पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे, ओके, सामने पीछे, सामने का एक पीछे का एक, जैसे ये देखो ये क्यूब का है ये फेस, ये सामने का फेस, ओके, ये पीछे का फेस, और ये साइड का फेस, ओके, ये दूसरे साइड का फेस, ओके, और एक नीचे का फेस ये वाला, और एक ऊपर वाला फेस ये वाला, तो 4 एटम मिलके एक 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 फेजेस बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्यूब में होते हैं 6 फेजेस, टोटल 6 फेजेस होते हैं। ओके, सपोज करो कि ये एक यूनिट सेल है और उसके सेंटर में एक एटम है, दिस इज येलो कलर एटम, और ये जो फेजेस दिख रहे हैं हर फेस के सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट है। सपोज करो देखो ये वाला फेस जो है ऊपर वाला ये, ठीक है, इसके सेंटर में एक है, ये ब्लू कलर का एटम, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का ये एक है। ओके, नीचे एक फेज है ये वाला, ठीक है, 4 साइड मिलके एक फेज बना है ये वाला, ओके, तो इसमें एक 4 एजेस या 4 साइड मिलके एक फेज बना है, इसके ये भी सेंटर पे एक आइटम प्रेजेंट है सपोज करो। ओके, ये साइड वाला फेज, ये देखो मेरा माउस एरो, देखो ये फेज किसको बोलते हो, मेरा माउस एरो जैसे जा रहा है वो एक फेज है ये वाला, ठीक है, तो साइड वाले फेज के सेंटर में यहाँ पे एक आइटम है। ओके, इधर वाले साइड वाले फेज में सपोज करो ये वाला साइड फेज है, ठीक है, ये साइड वाले फेज में इसके सेंटर में एक एटम है। अब ये सामने वाला फेज देखो, मेरा माउस एरो देखो, ये सामने वाला फेज है ये वाला, सामने वाला फेज, इसके सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है, सॉरी पीछे वाला फेज देखो ये वाला पीछे, ठीक है, ये पीछे वाले फेज के भी सेंटर में यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है, और सामने वाले फेज के भी सेंटर में, ये सामने वाला फेज देखो ये वाला, ओके, दिस इज द फ्रंट फेज, फ्रंट फेज के भी सेंटर में एक एटम है, बैक फेस देखो ये बैक फेस के भी सेंटर में एक एटम है ये वाला ब्लू वाला, और ऊपर वाला फेस इसके सेंटर में ये है, साइड वाला फेस इसके सेंटर में एक है, नीचे वाला फेस इसके सेंटर में एक है, और इधर के साइड वाले फेस में यहाँ पर एक सेंटर में एटम। इसका मतलब इस क्यूब में टोटल 6 फेजेस है, और एवरी 6 फेजेस के सेंटर में एक एक एटम प्रेजेंट है, और एकदम सेंटर में बॉडी के सेंटर में ये पूरा का पूरा जो डब्बा है ये यूनिट सेल है, इसके सेंटर में एक येलो एटम भी प्रेजेंट है। मतलब इस डब्बे में अगर देखूंगा तो कॉर्नर पे 8 एटम्स प्रेजेंट है, एकदम सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है येलो कलर का, और एवरी फेज जितने फेजेस है इसमें 6 फेजेस,
उसके सेंटर पे भी एक एक एटम्स प्रेजेंट है, तो सिक्स फेजेस मतलब सिक्स सेंटर में एटम्स प्रेजेंट है। अब अगर किसी ने बोला कि ये जो येलो कलर है इसका एटम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कैसे पता करेंगे येलो कलर के एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो येलो कलर के नियर बाय एटम्स देखेंगे। तो येलो कलर के नियर बाय एटम्स मतलब ये कॉर्नर वाले एटम नहीं, कॉर्नर वाले एटम दूर हो जाएंगे उससे, क्योंकि एकदम डब्बा है, सपोज करो एक बॉक्स है, एकदम सेंटर में एक एटम रखा है, तो उसके आजू बाजू वाले एटम्स कितने होंगे, नियरेस्ट नेबर्स, ये जो ब्लू कलर के दिख रहे फेस सेंटर में, ये 1 2, ये 3 4 5 6, ओके। तो ये जो एटम्स जो है फेस के सेंटर में जो प्रेजेंट है वो उसके आसपास वाले होंगे, और जो कॉर्नर में प्रेजेंट है वो उससे दूर होंगे हमेशा। कॉर्नर वाले एटम्स इस सेंटर वाले एटम से दूर है, लेकिन फेस के वाले एटम जो ब्लू कलर के लाइट ब्लू वाले एटम जो फेस सेंटर में प्रेजेंट है वो उसके पास है, नियरेस्ट नेबर्स है। सो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस येलो कलर एटम, सो द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, बिकॉज द फेस सेंटर एटम्स आर प्रेजेंट नियर बाय, ओके, दिस फेस सेंटर एटम्स आर नियरेस्ट नेबर्स टू दिस येलो एटम। तो फेस सेंटर एटम्स जैसे ये वाले दो एटम 1 2, ओके, ये वाले दो एटम 1 2 3 4 हो गए अभी, और ये वाले दो एटम, ओके, ये 6 एटम्स इसके नियर में है प्रेजेंट। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस येलो कलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब तुम बोलोगे कॉर्नर वाले एटम्स नियर नहीं है क्या, नहीं है। अभी ये जैसे तुम बोलोगे कि ये येलो एटम है और ये एटम तो मुझे पास में दिख रहा है कॉर्नर वाला, नहीं, वो पास रहेगा क्या, नहीं। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एक डब्बा एज्यूम करो घर में, ऐसा डब्बा लो क्यूब में और बीच में कोई एटम रख दो, तो कॉर्नर वाले एटम्स दूर वाले रहेंगे, लेकिन जो फेस सेंटर में प्रेजेंट है, हर सेंटर, हर फेस के सेंटर में जो प्रेजेंट है वो उसके पास में प्रेजेंट रहेंगे, ओके। ये पिक्चर थ्री डायमेंशनल है, इसके वजह से तुमको लग रहा है कि इसके पास में ये कॉर्नर वाला आइटम हो सकता है, लेकिन नहीं, ये कॉर्नर वाला आइटम भी दूर है, इसके पास में ये वाला आइटम है, ये वाला, ये ब्लू कलर का। सो टोटल 6 लाइट ब्लू कलर के एटम्स इसके नियर बाय प्रेजेंट है, तो इसके नियरेस्ट नेबर्स है 6, 1 2 3 4 5 6, जो व्हाइट लाइन से ज्वाइन किया मैंने, ये 6 इसके नियर बाय प्रेजेंट है, इसलिए इसका नियरेस्ट नेबरिंग आइटम्स कितने हो गए 6, इसलिए इस स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल में कैसे निकालते हैं, अभी बताया, सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, ओके। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ गिवन एटम। इफ सपोज दिस इज सेंट्रल एटम, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, बिकॉज नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स आर 4। इफ सपोज दिस इज द सेंट्रल एटम, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, बिकॉज इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इक्वल डिस्टेंस पे जो प्रेजेंट है वो 6 एटम्स है, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ओके। सो द कोऑर्डिनेट, सो I told how to find out the coordination number of a particular structure. Okay, तो अब देखेंगे कि coordination number, तो अभी हमने एक general पढ़ा कि coordination number निकालते कैसे हैं और coordination number बोलते किसको है. Okay, we have seen what is coordination number and we have seen that how to find out the coordination number. Now we will see the example and we will see the how to calculate the coordination number for simple structure. कोई भी स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, और बेस्ट एग्जांपल है क्यूबिक। क्यूबिक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर का या क्यूबिक लैटिस का कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, वी विल सी दैट, ओके। क्यूबिक लैटिस, अभी क्यूब क्या होता है, ये देखो मैंने क्यूबिक स्ट्रक्चर ऐसे यहाँ पे लगाया है, ये है क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये सारे क्यूबिक, ये तुम देखा होगा, ये तुमने बचपन में बच्चे खेलते हैं, ये दैट इज कॉल्ड रूबिक्स क्यूब, इसमें कलर मैचिंग करते हैं, ठीक है, कलर मैच करके खेलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। रूबिक नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसलिए इसको रूबिक्स क्यूब बोलते हैं, और ये बच्चे वगैरह बड़े भी खेलते हैं कलर मैच करने के लिए, इस तरीके से ट्विस्ट कर करके कलर मैचिंग
करते हैं, तो इसको बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। क्यूब तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक। और क्यूबिक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी, क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक लैटिस की, लैटिस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यूबिक में सारे के सारे फेजेस इक्वल होते हैं स्क्वायर शेप के। ओके, एवरी फेज ऑफ द क्यूब इज स्क्वायर शेप। इट मींस क्यूब के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और क्यूब के सारे फेजेस क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के। ये देखो, जैसे अगर मान लो ये फेज है एक क्यूब का, ये पूरा का पूरा फेज का शेप क्या, स्क्वायर शेप। ये वाला भी स्क्वायर शेप, ऊपर भी स्क्वायर शेप, नीचे भी स्क्वायर शेप, आगे भी स्क्वायर शेप, पीछे भी स्क्वायर शेप। उसी तरीके से ये वाला, इसको भी क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। ये देखो हर शेप क्या होता है, क्यूब होता है, हर फेस स्क्वायर शेप का होता है। क्यूब, क्यूब स्ट्रक्चर का एवरी फेज इज लाइक अ स्क्वायर, सो एवरी साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल। साइड मतलब एज, एज जैसे ये वाली लेंथ है, यहां से यहां की लेंथ, यहां से यहां की लेंथ सेम होगी, तो जितने भी साइड्स है क्यूब के, जितने भी एजेस है क्यूब के, एवरी एज एजेस आर इक्वल, बिकॉज क्यूबिक स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिक। क्यूबिक स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होने के कारण उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं और उसके फेजेस भी इक्वल होते हैं, और एवरी फेज ऑफ द क्यूब स्ट्रक्चर, क्यूबिक स्ट्रक्चर इज स्क्वायर शेप। ओके, सो अभी ये देखो अंदर से भी ऐसा दिखता है क्यूब, ये देखो एवरी फेज इज क्यूब। ये थ्री डायमेंशनल है इसलिए देखो ऊपर का फेस छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता छोटा नहीं है, सारे के सारे फेजेस इक्वल होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। ओके, सो दिस इज द क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखता है। ओके, अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो ये स्क्वायर ले लिया हूं मैंने एक, ओके आई हैव टेकन दिस स्क्वायर, ओके बिकॉज एवरी फेज ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर इज स्क्वायर। ओके, ये स्क्वायर लिया, स्क्वायर मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर, और उसके एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, इसलिए क्यूबिक स्ट्रक्चर में एंगल भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये स्क्वायर है जिसका एंगल 90 डिग्री, चारों के चारों एंगल 90 डिग्री और चारों के चारों साइड स्क्वायर। तो ये एक स्क्वायर लिया, दूसरा एक स्क्वायर लिया इस तरीके से सामने वाला, और ये साइड वाला भी स्क्वायर होगा, इधर वाला भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो ऊपर का भी स्क्वायर होगा, तो टोटल 6 स्क्वायर मिलकर क्यूबिक बनता है, मतलब 6 फेजेस और एवरी फेज इज स्क्वायर। ओके, सो 6 स्क्वायर्स मिलके एक क्यूब बनता है और 6 फेजेस मिलके एक क्यूब बनता है और एवरी फेज इज अ स्क्वायर शेप। ओके, तो इस तरीके से मैंने क्यूब बना लिया। ओके, सो ये सामने वाला फेस भी स्क्वायर है, पीछे का भी है, साइड वाला भी स्क्वायर होता है, लेफ्ट वाला राइट वाला भी स्क्वायर होता है, लेफ्ट वाला भी स्क्वायर, नीचे वाला फेस भी स्क्वायर होता है, ऊपर वाला भी। तो टोटल कितने फेजेस होते हैं इसके, 6 फेजेस होते हैं। और साइड्स कितने होते हैं, साइड्स मतलब एजेस, 12 एजेस होते हैं। तो एजेस देखो कैसे मेजर, कैसे गिनूंगा मैं, ये एक हो गया लाइन, देखो हाँ, ये एक एज, ये दूसरा एज, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, चार एज हो गए ऊपर, चार एज नीचे, पांचवा एज, छठा एज, सेवंथ और एट, चार एज नीचे हो गए, चार और चार आठ, और एक ये वाला परपेंडिकुलर पकड़ो, ये नाइन्थ एज, ये टेंथ एज, ये 11 एज और ये 12 एज। ओके, तो ये 12 एजेस मतलब 12 साइड्स, क्यूब में साइड्स कितने होते हैं 12, और फेजेस कितने होते हैं 6। फेजेस कैसे पता करूंगा, ये देखो ये एक फेज हो गया सामने वाला, ये एक फेज हो गया पीछे वाला, दो फेज, साइड वाला एक फेज हो गया तीन फेज, इधर वाले साइड वाला एक हो गया चार फेज, ओके नीचे वाला एक हो गया पांच फेज, और ऊपर वाला हो गया 6 फेज। तो 6 के 6 फेजेस स्क्वायर शेप के होते हैं, 6 फेजेस और 12 साइड से मिलके क्यूब बनता है। तो क्यूब में साइड्स या एजेस कितने होते हैं 12, फेजेस मतलब प्लेन्स कितने होते हैं 6। ओके, तो फेजेस होंगे 6, साइड्स होंगे 12। तो तुमको क्यूबिक स्ट्रक्चर याद रखना है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में साइड्स 12 होते हैं, मैंने अभी गिन के बताया 12 साइड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4, ये लाइन जो दिख रहे हो साइड्स है, एजेस है, एजेस और साइड सेम, उसको एजेस भी बोलते हैं, साइड्स भी बोलते हैं। तो कितने साइड्स, 1 2 3 4, ये 4 हो गया, नीचे देखो 5 6 7 8, 8 साइड हो गए, और ये अभी 9 10 वर्टिकल वाले, 11 12, तो 12 साइड्स होते हैं। तो 12 साइड्स और 12 एजेस, और प्लेन्स कितने होते हैं, 6 प्लेन है, आगे वाला प्लेन, पीछे वाला प्लेन 2 हो गए, बाजू वाला 3, इधर वाला 4 और ऊपर वाला 5 और नीचे वाला
छः, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे, टोटल 6 फेजेस है। सामने वाला एक, पीछे वाला है दो, हो गया, साइड वाला तीन, इधर के साइड वाला चार, और नीचे वाला पांच, और ऊपर वाला 6। तो टोटल 6 फेजेस और 12 एजेस से क्यूब बनता है। सो किसी ने भी पूछा तो क्यूब में एजेस कितने होते हैं, साइड्स कितने होते हैं, 12, फेजेस कितने हैं, मतलब प्लेन कितने होते हैं, 6। 6 प्लेन और 12 साइड से मिलके क्यूब बनता है। और इतना याद रखना है कि क्यूब में एवरी साइड इज इक्वल एंड एवरी फेजेस आर इक्वल। ओके, साइड्स मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, सब इक्वल होती है। जितने भी 12 एजेस है, 12 साइड्स है, दे आर ऑल इक्वल। मतलब ए बी और सी सबके सब इक्वल होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये बोला इसकी लेंथ, ओके, इफ सपोज द लेंथ ऑफ दिस साइड इज ए, ओके, सो द लेंथ ऑफ दिस साइड इज ऑल्सो ए, लेंथ ऑफ दिस साइड इज ऑल्सो ए, लेंथ ऑफ एवरी साइड इज ए। अगर मैंने बोला कि लेंथ अगर ए है तो सब साइड्स की लेंथ ए होगी, बिकॉज क्यूबिक स्ट्रक्चर सिमेट्रिक होता है और क्यूब में एवरी लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल। ओके, इट मीन्स दैट इन क्यूबिक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मतलब अगर ये एक्सिस कौन सा है, इफ सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में जो साइड है उसकी भी लेंथ ए होगी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में साइड है उसकी भी लेंथ ये ए होगी, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग में उसकी भी ए होगी। मतलब सारे साइड्स ए होंगे, मतलब सबकी लेंथ सेम होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सबकी लेंथ इक्वल होगी। और अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो ए इंटू ए इंटू ए, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब वॉल्यूम होता है किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर का, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका भी अगर मान लो ये लेंथ बेस और ये हाइट है, तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो ए इंटू ए मतलब ए क्यूब। अगर क्यूब का किसी ने वॉल्यूम पूछा, क्यूबिक स्ट्रक्चर का, क्यूबिक लैटिस का, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए मतलब ए क्यूब, क्योंकि ईच साइड इज इक्वल, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट ए क्यूब। ओके, वॉल्यूम इज ए क्यूब। तो ये तो हो गया क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। क्यूब बोलते किसको है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 12 साइड्स होते हैं और वो भी इक्वल, 6 प्लेन्स होते हैं, 6 फेजेस होते हैं, वो भी इक्वल, उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब सारे लेंथ ए होते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक। तो अब देखेंगे कि क्यूबिक स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, क्रिस्टलोग्राफी में क्यूबिक स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस देखने वाले हैं। वेरी इजी, क्यूबिक लैटिस के बारे में अभी मैंने बता दिया और तुमको पता चल गया कि क्यूब बोलते किसको है, जिसमें 12 साइड्स होते हैं और 6 फेजेस होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, उसको बोलते हैं क्यूबिक लैटिस। ओके, क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि क्यूबिक लैटिस के टाइप्स कितने होते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। वी विल सी दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ईच क्यूबिक लैटिस। तो सबसे पहला टाइप है क्यूबिक लैटिस का, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, शॉर्ट में बोलते हैं एससी, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब एज द नेम सजेस्ट, वेरी सिंपल, एज द नेम सजेस्ट इट इज वेरी सिंपल। सिंपल क्यूबिक मतलब एक क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके कॉर्नर पे ही एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। तो देखो सिंपल क्यूबिक दिखता कैसे है, ऐसा। ओके, ये एक क्यूब है, ये एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। ओके, सो ये सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल है, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस की यूनिट सेल है, और इसके कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे, अंदर बाहर कुछ नहीं, सिर्फ कॉर्नर पे। अगर ऐसा क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। उसको क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक, जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स पे, उसको बोलेंगे सिंपल
क्यूबिक। ओके, तो अब देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे है। तो ये एक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक की, सपोज करो ये एक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक की, मतलब क्यूबिक लैटिस की, जो पहला टाइप है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में तुमको याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक में सिर्फ एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट रहते हैं, अंदर बाहर कुछ नहीं। तो दिस इज द सिंपल क्यूबिक। तो ये एक यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक की, और मैंने क्या किया, दूसरी यूनिट सेल इसके बाजू में रख दिया। ये दूसरी यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक की, ये दो यूनिट सेल हो गया कि सिंपल क्यूबिक की है, ये एक इधर हो गई, दो इधर हो गई, और दो ऊपर रख दिया मैंने, ये तीसरी मैंने ऊपर रखा और चौथी इधर रख दिया। तो ये टोटल कितने यूनिट सेल हो गए, चार यूनिट सेल हो गए सिंपल क्यूबिक के। तो ये जो क्यूबिक लैटिस है कितने यूनिट सेल से मिलके बना है, चार, 1 2 3 4। ओके, फिर से मैं दिखा रहा हूं कैसे चार, ये एक यूनिट सेल है, ओके, ये दूसरी यूनिट सेल है, ओके, उसके बाजू में रख दिया, एक ऊपर में रख दिया, एक तीसरी यूनिट सेल है, एक उसके साइड में रख दिया, ये चौथी यूनिट सेल है। तो ये चार यूनिट सेल से ये क्यूबिक लैटिस बना है, और चार यूनिट सेल मैंने पीछे रख दिया। ये देखो ये चार हैं और चार मैंने पीछे रख दिया, तो ये टोटल कितने यूनिट सेल है, इसमें 8 यूनिट सेल है। ओके, ये 8 यूनिट सेल मैं क्यों ले रहा हूं, मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसलिए मैंने 8 यूनिट सेल्स लिया, और फिर मैं चेक करूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सिंपल क्यूबिक में। ओके, फिर से दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर से देखो, ये है क्यूबिक यूनिट सेल, इसको क्यूबिक यूनिट सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, ऐसे मैं 8 यूनिट सेल लूंगा और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूंगा। ओके, सो दिस इज 1 यूनिट सेल, आई केप सेकेंड यूनिट सेल नियर बाय इट, दिस इज 2 यूनिट सेल, थर्ड यूनिट सेल मैंने ऊपर रखा बाजू, ओके, और चौथी मैंने उसके बाजू में, तो ये चार यूनिट सेल है, चार यूनिट सेल हो गया आगे, पीछे हुए मैंने और चार यूनिट सेल रखा, तो ये टोटल यूनिट सेल हो गए 8। ओके, तो 8 कैसे है, ये 1 2 3 4 और पीछे 5 6 7 8, तो टोटल 8 यूनिट सेल है स्ट्रक्चर में। अब मैं देखूंगा, ये 8 यूनिट सेल मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, चार मैंने सामने लिया, चार मैंने पीछे रखा। फिर से एक बार बता रहा हूं, 1 2 3 4 और 4 पीछे, मतलब टोटल 8 हो गए ये। ओके, अब देखूंगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते कैसे हैं। अब सपोज करो ये एक एटम है सेंट्रल एटम, ये वाला एटम जो प्रेजेंट है, इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ये वाला, मेरा एरो देखो माउस का कहां पर है, यहां पे। आई वांट टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम, एंड दिस एटम बिलोंग टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ओके, सिंपल क्यूबिक लैटिस। सो हाउ मच इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम, जस्ट लुक एट द एटम एंड लुक एट इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो नियरेस्ट नेबरिंग इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा है, ये देखो इधर वाला एक हो गया 1, इसके लेफ्ट वाला एक हो गया 2, मतलब एक्स प्लेन में 2 हो गया 1 2। अब वाई प्लेन में देखो, ऊपर देखो 1, नीचे देखो 2, वाई प्लेन में 2 एटम हो गए उसके नियर बाय, एक्स प्लेन में 2 एटम, अब जेड प्लेन में देखो 1 2, तो जेड प्लेन में 2 एटम हो गए, मतलब इसके नियरेस्ट एटम्स कितने, 6, 1 2, एक्स प्लेन में 2, वाई प्लेन में देखो, वाई एक्सिस के अराउंड में 2, 1 2, और जेड एक्सिस के अराउंड में 2, 6, तो इसके नियरेस्ट एटम्स है 6। ओके, कैसे, ये देखो इस टाइप के, तो ये जो एटम है इसके इधर वाला 1 2, ऊपर वाला 3 4, ओके, साइड वाला 5 6। सो इस एटम का अगर मुझे कोऑर्डिनेशन, दिस एटम बिलोंग टू सिंपल क्यूबिक लैटिस, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम, सो देयर आर 6 नियरेस्ट नेबर एटम्स आर प्रेजेंट, 2 इन एक्स प्लेन, 2 इन वाई प्लेन एंड 2 इन जेड प्लेन, इट मींस 2 अलोंग द एक्स एक्सिस, 2 अलोंग द वाई एक्सिस एंड 2 अलोंग द जेड एक्सिस, सो टोटल 6 एटम इसके आजू बाजू प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ओके, सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। यू हैव टू रिमेंबर दैट, इफ किसी ने पूछा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, तो यू हैव टू से दैट 6। ओके, 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसे निकाला, 8 यूनिट सेल लिया, 8 यूनिट सेल को एक के बाजू में जोड़ के रख दिया, और 8 यूनिट सेल में जो ये सेंट्रल वाला एटम है जो यूनिट सेल से बिलोंग करता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जब मैंने चेक किया तो 6 निकला, 2 अलोंग एक्स एक्सिस, 2 अलोंग वाई एक्सिस एंड 2 अलोंग जेड एक्सिस, टोटल 6 नेबरिंग एटम्स, 6 नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स प्रेजेंट है इसके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ,
छः। ओके, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ये एक यूनिट सेल है क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट है उसको सिंपल क्यूबिक बोलेंगे। उसके बाजू में एक यूनिट सेल रखा, एक ऊपर रखा, एक हो गया चार, और चार ही यूनिट सेल पीछे के साइड में भी रख दिया, टोटल आठ यूनिट सेल है। फिर मुझे निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब मैं देखता हूँ कि इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कितने हैं, सो आई हैव फाउंड आउट दी देयर आर सिक्स नेबरिंग नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस दो है, अलॉन्ग वाई एक्सिस दो है, अलॉन्ग जेड एक्सिस दो है। सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज सिक्स। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज सिक्स। सो टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस और टाइप ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर में पहला टाइप हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक। अब दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पहला टाइप होता है सिंपल क्यूबिक, मतलब सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा टाइप क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होंगे और सेंटर में भी एक एटम रहेगा। बॉडी सेंटर, एज द नेम सजेस्ट, बॉडी सेंटर, क्रिस्टल के यूनिट सेल के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर एटम। ओके, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक। सो बॉडी सेंटर क्यूबिक कैसे दिखता है? देखो, ये यूनिट सेल है। ओके, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है क्यूबिक लैटिस की। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट, और एक एकदम सेंटर में, डब्बे के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। सो ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक लैटिस जिसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है और कॉर्नर पे भी, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसको क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके बॉडी में भी एक एटम, सेंटर में भी एक एटम है और कॉर्नर पे भी एटम है, उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। ओके, किसी ने पूछा कि ये जो सेंटर एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? ओके, तो सेंटर एटम अगर मैं यहां देखता हूं, एकदम इस डब्बे के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है, इसलिए इस यूनिट सेल को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ, सेकेंड टाइप ऑफ क्यूबिक लैटिस, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। कॉर्नर पे तो एटम्स होते हैं, बॉडी के सेंटर में भी होते हैं। ओके, सो दिस इज बीसीसी, शॉर्ट में उसको क्या बोलेंगे? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब ये सेंटर में जो एक एटम प्रेजेंट है, इसके नियर बाय एटम्स कौन से हैं? कोई भी एटम मुझे नियर बाय नहीं दिख रहा, मतलब नियर बाय एटम्स क्या हो गए? कॉर्नर वाले ही। आजू बाजू तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ कॉर्नर वाले एटम्स दिख रहे हैं। तो एकदम डब्बे के सेंटर में प्रेजेंट है, तो डब्बे के सेंटर में अगर कोई भी चीज प्रेजेंट है तो सारे कॉर्नर्स इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ओके, ये इमेजिन करो, एक क्यूब शेप का डब्बा है और उसके सेंटर में मैंने कुछ चीज रख दिया, तो सारे जो आठ के आठ कॉर्नर्स है, तो सारे कॉर्नर्स उससे इक्वी डिस्टेंस पे हो गए। इसका मतलब अगर ये सेंटर एटम एकदम सेंटर में है डब्बे के, तो कॉर्नर एटम्स, इसके एट के एट कॉर्नर एटम्स उसके इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो सेंटर एटम्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? एट, क्योंकि टोटल एट कॉर्नर्स एटम्स है, और इस बॉडी सेंटर्ड एटम के, इस सेंटर वाले एटम के कॉर्नर वाले एटम्स ही पास में होंगे। आठ के आठ कॉर्नर एटम्स इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे इस सेंटर एटम से, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन नंबर को हम बोलेंगे आठ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो बॉडी सेंटर क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर एट होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक जिसके बॉडी के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे भी होते हैं, और अगर हम उसके नियर बाय एटम्स देखते हैं, तो इस बॉडी के सेंटर वाले एटम्स के नियर बाय एटम्स कौन से होंगे? कॉर्नर वाले, इसलिए आठों के आठों कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए आठ एटम्स इसके कॉर्नर, इसके नियर बाय में प्रेजेंट है, क्योंकि आजू बाजू तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसके नियर बाय एटम्स को हम कौन से एटम्स के मानेंगे? कॉर्नर वाले एटम्स। तो एट कॉर्नर वाले एटम्स इक्वी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, इसलिए बॉडी सेंटर क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। ओके, एक इमेजिन करो, एक ग्लास का क्यूब है इस तरीके का, ये ग्लास का क्यूब है, उसके सेंटर में एक कोई चीज रखी हुई, गोल वाली चीज, सर्कुलर, तो उसके जितने भी कॉर्नर होंगे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8, क्योंकि कॉर्नर पे भी आइटम प्रेजेंट है।
ओके, तो एकदम डब्बा, एक ग्लास का डब्बा है सपोज क्यूब शेप का, उसके अंदर कोई एटम है, बीच में कोई चीज रखी है सर्कुलर, ओके एकदम स्फेरिकल, तो उसके कॉर्नर्स क्या होंगे, ये जितने भी 8 कॉर्नर्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे सेंटर में जो एटम है इसके नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कौन से होंगे, कॉर्नर वाले इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। तो पहला सिंपल क्यूबिक, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या डिफरेंस है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, बॉडी सेंटर में एकदम सेंटर में भी होगा, ओके एकदम सेंटर में भी होगा और कॉर्नर पे भी होंगे एटम्स, तो इसको बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक। और सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8। ओके, तो ये हो गए दो टाइप्स के क्यूबिक लैटिसेस, दो टाइप के क्यूबिक स्ट्रक्चर, पहला हो गया सिंपल क्यूबिक, दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम तीसरा देखेंगे, थर्ड को बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब मैंने पहले ही बताया था क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूबिक स्ट्रक्चर में 6 फेजेस होते हैं, और फेस सेंटर्ड मतलब हर फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ही। ओके, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, कॉर्नर पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे, साथ साथ में देर आर द एटम्स, 8 एटम्स इन द कॉर्नर्स, बट एज वेल एज द वन देर आर 6 एटम्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। फेजेस कितने होते हैं क्यूब में, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट द फेजेस, द नंबर ऑफ फेजेस इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर आर 6 फेजेस होते हैं, और एवरी फेस के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। तो देखो कैसे ये 8 होंगे कॉर्नर्स पे और एवरी फेज में एक होगा, जैसे ये वाला फेज है साइड वाला फेज, इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा ये वाला, ओके ये वाला ऊपर वाला फेज, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, ओके साइड वाला फेस, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, ओके नीचे वाला फेस, उसके सेंटर में एक एटम्स प्रेजेंट होगा, ओके ऊपर वाला फेस, ये फ्रंट वाला फेस, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा, और बैक वाला फेस, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट, ये बैक वाला फेस जो स्क्वायर है उसके सेंटर में भी एक एटम। सो देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेजेस। सो टोटल 6 फेजेस होते हैं क्यूबिक में, और 6 के 6 फेजेस के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट होता है, कॉर्नर पे तो होंगे ही सेंटर में भी होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, शॉर्ट में इसको बोलेंगे FCC, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे FCC, क्योंकि इसके कॉर्नर पे भी एटम प्रेजेंट होंगे और सेंटर ऑफ ईच फेजेस पे। फेजेस किसको बोलते हैं मैंने बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, ये देखो 8 के 8 एटम्स जो है कॉर्नर पे भी हैं और 6 फेजेस है, जैसे ये वाला एक फेज होगी, ये साइड वाली एक फेज है, हाँ ये स्क्वायर शेप की होती है, सारे फेजेस स्क्वायर शेप के होते हैं क्यूब में, ये देखो ये एक फेज है तो इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है ये वाला, ये दूसरी फेज है, मेरा माउस का एरो देखो, ये दूसरी फेज है, ठीक है इसके सेंटर में एक एटम, सॉरी ये ऊपर वाली एक फेज है, ये वाली ऊपर वाली बता रहा हूं पहले, ये ऊपर वाली एक फेज है, ठीक है इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, ओके ये साइड वाली फेज है ये वाली, ओके उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, ये नीचे वाली फेज है, ओके उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, ये अभी फ्रंट वाली फेज, ये वाली स्क्वायर शेप की ये फ्रंट वाली फेज है, मेरा माउस एरो देखो ये वाली, इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, और एक बैक वाली फेज है ये वाली, ओके तो इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। सो टोटल 6 एटम्स फेस सेंटर में प्रेजेंट है और 8 एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे क्यूबिक लैटिस को, ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और अब देखेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में 8 यूनिट सेल लिया था सिंपल क्यूबिक वाले और फिर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, उसी तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी हम 8 यूनिट सेल लेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक के, और देखेंगे कि कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है। ओके, सो वी विल सी दैट। सो 8 कैसे लेंगे, देखो 8, अगर ये 8 यूनिट सेल मैंने फेस सेंटर्ड की लिया तो किस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, किस तरीके से क्यूबिक लैटिस दिखेगा, देखा देखना 8 यूनिट सेल लूंगा मैं, 1 2 3 4 और फिर 4 पीछे, ठीक है ये देखो, तो 8 यूनिट सेल जब मैं लूंगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखेगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, ओके, ये 8 यूनिट सेल से मिला है, ये देखो ये नीचे वाली 1 यूनिट सेल, 2 यूनिट सेल, ऊपर वाले 2, 4 हो गए और पीछे 4, 8 यूनिट सेल,
और जो ये रेड एटम दिख रहे हैं, ये रेड एटम्स आर दी एटम्स बिलोंग टू फेस, ओके। ये रेड एटम्स है द एटम्स ऑफ फेस सेंटर्ड, ओके। जैसे अभी मान लो ये नीचे वाली यूनिट सेल है, तो ये जो एक फेज है इसके सेंटर में, एवरी फेज हैज कंटेन वन सेंटर्ड एटम, और ये जो येलो कलर के एटम्स है वो कॉर्नर वाले एटम्स है। तो ऐसे मैंने 8 यूनिट सेल लिया फेस सेंटर्ड वाले, फेस सेंटर्ड वाले 8 यूनिट सेल लिया, और 8वीं यूनिट सेल को जब कंबाइन किया तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऐसा दिखता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ऐसा दिखता है। 8 यूनिट सेल मतलब ये देखो मेरा ये माउस का एरो देखो, ये है एक यूनिट सेल, ओके। ये एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स है और 6 फेजेस के एटम है, ये दूसरी, उसके पीछे तीसरी, फिर उसके पीछे चौथी, फिर ऊपर 1 2 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, तो ये टोटल 8 यूनिट सेल्स, ये टोटल 8 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से ये स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे कैसे होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए हम देखेंगे कि ये जो सेंटर, ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। मेरा माउस एरो देखो, ये जो एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये मैं चेक करके बताऊंगा, ये मैं अभी काउंट करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, इसके नियर बाय एटम्स एक्स प्लेन में कितने, 1 2 3 4 एक्स प्लेन में, इसके नियर बाय एटम एक्स प्लेन में कितने हैं, 1 2 3 4, इसके नियर बाय एटम एक्स प्लेन में, ओके, एक्स प्लेन में 4, और वाई प्लेन में देखो 1 2 3 4, रेड वाला एटम ही देख रहा हूं यहां पे फिलहाल, एक्स और वाई प्लेन में रेड एटम्स ही है पास में, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये देखो ये एटम कंसिडर करो, इसके एक्स प्लेन में कितने एटम है, 1 2 3 4 नियर बाय, ये 4 एटम है, 1 2 3 4। अब वाई प्लेन में देखो 1 2 3 4, वाई प्लेन में 4 है, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब ये हो गया एक्स प्लेन में 4, वाई प्लेन में 4। अब जेड प्लेन में देखो कितने आ रहे हैं, जेड प्लेन में इसके जो एटम्स आएंगे, जेड प्लेन में एटम्स कितने आ रहे हैं वो चेक करो, ठीक है। जेड प्लेन में भी 4 एटम आएंगे, ये 1 2, इधर वाला 3, ओके, और इधर वाला 4, 1 2 3 4, जेड वाले प्लेन में 1 2 3 4, ओके। सिर्फ रेड एटम्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि रेड एटम्स ही फेस सेंटर्ड वाले एटम है, और अब हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल ले हैं, तो नियर बाय रेड एटम्स कितने आ रहे हैं वो चेक करेंगे। सो उसके नियर बाय एटम्स आ रहे हैं 12, 4 + 4 + 4, इस मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 12। फिर से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से, ये देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऐसा होता है जिसके कॉर्नर और फेस सेंटर्ड पे, ऐसे मैं 8 यूनिट सेल कंबाइन करूंगा, 8 यूनिट सेल 8 यूनिट सेल कंबाइन करूंगा तो ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ओके। रेड एटम्स मतलब फेस सेंटर्ड वाले एटम्स, और येलो एटम्स मतलब कॉर्नर वाले एटम्स। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है दिस एटम का, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसके आजू बाजू एक्स प्लेन में कितने एटम्स है, एक्स प्लेन में 4 एटम्स है, इस तरीके से 1 2 3 4। फिर देखूंगा वाई प्लेन में कितने एटम्स है, 1 2 3 4, रेड एटम्स ही देख रहा हूं, वाई प्लेन में 4 एटम है, 1 2 3 4। फिर मैं देखूंगा जेड प्लेन में कितने एटम्स है, 1 2 3 4, तो जेड प्लेन में भी 4 एटम्स है, तो एक्स प्लेन में 4, वाई प्लेन में 4, जेड प्लेन में 4, तो उसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 + 4 + 4, सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इस तरीके से याद रखनी है चीजों को, ठीक है। क्यूबिक लैटिस के 3 टाइप्स होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक, 4 ऑप्शन देख दिया, 6 8 12 16, तो उसमें से तुम ऑब्जेक्टिव में से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सही ऑप्शन है। सो वी हैव सीन दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिसेस, 1 इज सिंपल क्यूबिक, इन सिंपल क्यूबिक द एटम्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स ओनली एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल क्यूबिक इज 6। सेकेंड वी हैव सीन दैट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इन दैट ओनली द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, एंड दैट्स इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ओके, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, इस तरीके से, ये दिस इज द बॉडी सेंटर्ड एटम, ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज
8, and now we have seen this face-centered cubic. In face-centered cubic, the coordination number is 12. 4 atoms x-plane mein, 4 atom y-plane mein, aur 4 atoms z-plane mein. So total coordination number will be 12 for face-centered cubic. तो इस तरीके से हमने देखा coordination number क्या होता है, और साथ साथ में तीन cubic lattices हमने पढ़े. एक सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और तीनों के कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है.